क्लासिक्स के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, फूड के बारे में पढ़ेंगे और फूड कहाँ से आता है, फूड का यूज़ क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि फूड के सोर्स और फूड किसको कहते हैं, फूड से क्या क्या हम लोग को मिलता है और फूड हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले फूड का बात करें तो फूड जो है ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग को एनर्जी देता है, बॉडी को मेंटेन करने में मदद करता है, नरिशमेंट देता है। तो ऐसे सारे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, फूड कहेंगे। ठीक है, बिना फूड के बॉडी जो है किसी भी एनिमल्स का या फिर जो है ह्यूमन का सस्टेन नहीं कर सकता है, यानी वो जिंदा नहीं रह सकता है। यानी फूड हम लोग को किसी भी अवस्था में चाहिए जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो ये फूड से हम लोग को मिलेगा क्या, तो बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं, ऐसे मटेरियल मिलते हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उसको मेंटेन कर पाते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। जैसे फूड हम लोग को क्या देता है, तो फूड हम लोग को एनर्जी देता है, उस एनर्जी से हम लोग काम कर पाते हैं। फूड से हम लोग को जो नया नया सो सेल बनता है, बॉडी के जो सेल्स बनते हैं वो सेल्स भी जो है इस फूड से ही बनता है, नए टिश्यूज बनते हैं। इसके अलावा जो कुछ सेल्स मर चुके हैं, ठीक है, या फिर जो है कुछ सेल को रिपेयर होने की जरूरत पड़ता है, तो ये भी फूड से ही हो पाता है। बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है अलग अलग पर्पज के लिए, जो कि हायर क्लास में आप देखेंगे कि एंजाइम्स और हार्मोन्स का क्या काम होता है। जैसे एक हार्मोन्स का एग्जाम्पल है कि हार्मोन्स के द्वारा हम लोग का जो है मुस्टैक आता है, ठीक है, तो ये हार्मोन्स का काम हो गया। आंख से आंसू निकलता है, ये भी जो है हार्मोन्स के वजह से जो है होता है। तो अलग अलग जो है हार्मोन्स भी फूड के वजह से ही निकल पाते हैं, बॉडी मेंटेन हो पाता है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण अगर टोटल ओवरऑल बात करें तो पूरे बॉडी का मेंटेनेंस या फिर बॉडी का जो रेगुलेशन होता है इस फूड के वजह से ही होता है। अब कोई भी फूड हम लोग नहीं खा सकते, तो फूड कैसा खा सकते हैं, तो वैसा फूड जो हेल्दी हो। ठीक है, तो हेल्दी फूड किसको कहा जाएगा, तो हम लोग को सर्वाइवल के लिए तो फूड तो चाहिए ही, लेकिन जो है ऐसा फूड जो हम लोग के लिए हानि ना पहुंचाए, वैसे फूड को हम लोग कहेंगे हेल्दी फूड। अगर आप खाना ज़्यादा खाते हैं तो भी वो हानि पहुंचाएगा, अगर खाना कम खाते हैं तो एनर्जी सफिशियंट नहीं मिलेगा। तो उतना ही फूड खाएं जितने जिससे हम लोग का बॉडी जो है, बॉडी के रिक्वायरमेंट्स का रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाए, यानी बॉडी को जो जो ज़रूरत है वो हम लोग को मिल जाए। तो वैसे हम लोग फूड को क्या कहेंगे, हेल्दी फूड कहेंगे या फिर बैलेंस फूड कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक सिंगल फूड को हम लोग बैलेंस फूड नहीं कह सकते हैं, परफेक्ट फूड नहीं कह सकते हैं। तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे फूड जो हैं शामिल होंगे। सारे फूड्स को अगर मिला देंगे, बहुत सारे फूड्स को, तो जैसे सब्जी वेजिटेबल हो गया आपका, चावल हो गया, रोटी हो गया, दाल हो गया, ठीक है, तो ये सारे फूड को एक साथ मिला दिया जाए, फल को भी मिला दिया जाए, तब ये जो है हम लोग का बैलेंस डाइट या फिर हेल्दी फूड इसको कहा जाएगा। सफिशियंट अमाउंट जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार, अलग अलग बॉडी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। जैसे जो काम लेबर वाले जो लोग हैं, जो मैनुअल वर्क ज़्यादा करते हैं, हाथ से पैर से ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है फूड का। बच्चों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है फूड का। तो इसी के हिसाब से जो है जैसा रिक्वायरमेंट वैसा फूड का आवश्यकता हम लोग को पड़ता है। तो अगर आप इसमें देखें, कुछ न्यू टर्म्स जो हैं इसमें यूज हुए हैं, जैसे फूड तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे सारे सब्सटेंस जिसके द्वारा जो है बॉडी को नरिशमेंट मिले, बॉडी को एनर्जी मिले, बॉडी अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, उसको फूड कहेंगे। मील कहेंगे, ऐसा कोई भी फूड जो हम लोग किसी खास टाइम पे लेते हैं उसको मील कहा जाता है, पार्टिकुलर टाइम पे जो फूड लिया जाता है उसको मील कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स किसको कहेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स ऐसा जो भी जो है नेसेसरी सब्सटेंस जो हम लोग के बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, जरूरत पड़ता है, अदर एक्टिविटी के लिए जरूरत पड़ता है, उसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। एनर्जी गिविंग फूड्स किसको कहेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है इसको एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है, इससे बॉडी को एनर्जी मिलता है, हम लोग काम कर पाते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसको कहेंगे, तो ऐसा फूड जिससे हम लोग का बॉडी ग्रो करे, बॉडी बढ़ता है, जैसे प्रोटीन जो है बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है, तो प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहेंगे। प्रोटेक्टिव फूड किसको कहेंगे, तो जिससे हम लोग को बीमारियों से बचने के लिए इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग होता है, वैसे फूड को प्रोटेक्टिव फूड कहेंगे। जैसे विटामिन और मिनरल्स हो गए, जो कि हम लोग को फल खाने से मिलता है और सब्जियाँ खाने से मिलता है। एंजाइम्स, हर्बीवोर्स का बात करें, तो हर्बीवोर्स ऐसे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट पे निर्भर रहते हैं, यानी प्लांट से जो मिलता है प्रोडक्ट उसको खाते हैं, उसको हर्बीवोर्स कहा जाता है।
कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स हो गए जो कि फ्लेश अदर एनिमल्स के दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, उसको कार्निवोर्स कहा जाएगा। ओमनीवोर्स वैसे एनिमल्स हो गए जो कि प्लांट्स पे भी निर्भर हैं और साथ में एनिमल्स पे भी निर्भर हैं, यानी कि प्लांट से भी भोजन प्राप्त करते हैं और साथ में एनिमल्स के मांस को भी खाते हैं, तो उसको ओमनीवोर्स कहेंगे। पीसी कल्चर जो है ये अगर हम लोग क्या करते हैं, मछली को लार्ज स्केल पे, फिश को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, रियर करते हैं, पालते हैं, तो इसको हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में खेती में जो है हम लोग क्या करते हैं, खास खास क्रॉप को उगाते हैं, वैसे ही पीसी कल्चर में हम लोग मछली का पालन करते हैं। पीसी कल्चर मतलब मछली पालन हो गया। एपी कल्चर यानी कि हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, काहे के लिए, तो हनी के लिए, लार्ज स्केल पे, तो इसको एपी कल्चर कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल अगर कंट्री में देखा जाए तो हम लोग जो है कम से कम 3 से 4 बार भोजन करते हैं, ठीक है। और वो फूड जो हम लोग जो है खाते हैं वो क्या कहलाता है हम लोग का, किसी खास टाइम पे उसको मील कहते हैं, यानी किसी भी खास समय पे जो भी भोजन करेंगे उसको हम लोग मील कहेंगे, ठीक है। जनरली हम लोग अगर देखें तो सुबह में मॉर्निंग में जो है हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं, ठीक है, और दोपहर में आफ्टरनून में हम लोग लंच करते हैं, फूड का अलग अलग नाम है, और रात में जनरली हम लोग डिनर करते हैं। तो ये तीन तरह का, तो तीन समय पे हम लोग जो फूड करते हैं उसका अलग अलग नाम दिया गया। अगर सुबह में कोई भी फूड जो है इंटेक करते हैं, फूड खाते हैं, तो उसको ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून दोपहर में अगर खाते हैं तो उसको हम लोग लंच कहेंगे, और रात में अगर कोई भोजन करते हैं तो उसको डिनर कहेंगे, ठीक है। ये सब जो है मेन मील्स हो गए हम लोग के, जो कि हम लोग एक दिन में खाते हैं, तो लगभग 3 बार जो है भोजन करते हैं, 3 से ज्यादा बार भी भोजन कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर हेल्दी फूड जो है हम लोग किसको कहेंगे, तो प्रॉपर हेल्दी फूड उसको कहेंगे जिसमें हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, तो उसको प्रॉपर जो है हम लोग कहेंगे हेल्दी फूड ले रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल 3 समय का खाना, उसमें सफिशियंट अमाउंट में जो है न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, यानी कि सब तरह का आपका खाना होना चाहिए, जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, इस तरह के फूड उसमें शामिल होने चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे हेल्दी फूड है। एक एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ फिगर दिया गया है, फिगर में बताया गया डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को 2 प्लेट में रखे गए हैं। इस फूड आइटम्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस टेबल में, कि ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या क्या खा सकते हैं इस थाली से, लंच में क्या क्या खा सकते हैं, और डिनर में क्या क्या खा सकते हैं। तो ये आप लोग, ठीक है, आप करेंगे इसको देख के सॉल्व करेंगे। अब जैसे हम लोग कहीं पे भी खाने जाते हैं तो हम लोग को मेनू मिलता है, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेनू में क्या होता है कि फूड आइटम्स का लिस्ट होता है कि क्या आप खाएंगे, ठीक है। तो मेनू का मतलब वही हो गया कि जिसमें हम लोग फूड क्या क्या खा सकते हैं उसको मेन्यू कहा जाता है। फूड का सिलेक्शन का बात करें, क्या क्या फूड हम लोग को खाना चाहिए, तो फूड में जो है हम लोग के एसेंशियल जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए हम लोग को एसेंशियल एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, जरूरत का जो है अलग अलग सब्सटेंस पदार्थ पाए जाते हैं, इन्हीं को न्यूट्रिएंट कहते हैं। यानी फूड से एक्चुअल में मिलता क्या है, तो न्यूट्रिएंट मिलता है। न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, ये सारे जो है हम लोग के न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और अगर न्यूट्रिएंट्स के अनुसार हम लोग कैटेगराइज करें यानी कि बांटें, ठीक है, फूड को, तो सबसे पहला अगर फूड को बात करें तो वो होगा एनर्जी गिविंग फूड, मतलब ऐसे फूड जिससे हम लोग को डायरेक्टली एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी से हम लोग कार्य करते हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे एनर्जी गिविंग फूड को हम लोग क्या किस में शामिल करेंगे, तो वैसे एनर्जी गिविंग फूड है हम लोग का जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया, ये हम लोग को एनर्जी देता है जिसके द्वारा वर्क कर पाते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड का बात करें तो ऐसे फूड जिससे हम लोग का बॉडी ग्रो करता है, जैसे बच्चे लोग हैं, बच्चे का बॉडी ग्रो करता है और एक समय के बाद आके उनका बॉडी ग्रो करना बंद कर देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ बॉडी के कुछ जो है पार्ट्स को रिपेयर भी करता है जरूरत पड़ने पे, जैसे कहीं कट गया तो उसको रिपेयर करके फिर से वैसा ही बना देगा। तो ऐसे फूड क्या कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। और ये फूड कौन हो गया, तो प्रोटीन जो है ऐसा फूड है जिसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, जो हम लोग को बढ़ने में ग्रो करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी हम लोग आगे करेंगे। प्रोटेक्टिव फूड का बात करें तो ऐसे फूड जो कि हम लोग को डिजीज से लड़ने में यानी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है, ऐसे फूड को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। जैसे विटामिन हो गया और एसेंशियल मिनरल्स हो गए, ये हम लोग को डिजीज से लड़ने में मदद करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो मील आपको बताया गया है कि मील ऐसे जो है आपके किसी खास समय पे जो भोजन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मील कहते हैं। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। जैसा कि टेबल नंबर 1.1 में हमने देखा था कि ब्रेकफास्ट हो सकता है, लंच हो सकता है और डिनर हो सकता है। सुबह का भोजन ब्रेकफास्ट,
दोपहर का भोजन लंच और रात का भोजन डिनर कहलाता है। तो यहाँ आपने देखा कि फूड जो है ड्यूरिंग डे में, अगर हम लोग किसी दिन में अगर मान लीजिए कि भोजन कम खाते हैं तो हम लोग को महसूस होता है कि हम लोग कमजोर हो गए हैं और वेट भी कम हो जाता है। तो इसलिए जो है हम लोग को फूड बहुत एसेंशियल है, बिना फूड के हम लोग का जीवन नहीं चल सकता है। ठीक है, तो फूड आइटम्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ता है उस फूड आइटम्स को देखें। तो जैसे प्लांट है, प्लांट को भी फूड की जरूरत पड़ता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे एनिमल्स है उनको भी फूड का जरूरत पड़ता है। ठीक है, लेकिन प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये किसी और मटेरियल के हेल्प से भोजन बनाते हैं लेकिन डायरेक्टली खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि एनिमल्स जो है वो भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो वो चाहे तो प्लांट से प्राप्त करेंगे, ठीक है, या फिर किसी और एनिमल से प्राप्त करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स यहाँ पे जैसे दिए जा रहे हैं, कहाँ से वो भोजन प्राप्त करते हैं उसको देखा जाए तो अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जो है मिट्टी के अंदर जो सड़े गले पदार्थ हैं, जैसे लीफ सड़ा हुआ है या वेजिटेबल सड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई अलगी भी या फंगस भी जो है आपका जो सड़ रहा है उससे भोजन प्राप्त करता है अर्थवॉर्म, मिट्टी के अंदर या मिट्टी के ऊपर। बटरफ्लाई जो है भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, तो फ्लावर्स से प्राप्त करता है, ठीक है, सक करता है और उससे हनी बनाता है। फ्रॉग स्पाइडर जो है इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट पे फीड करते हैं। सन बर्ड्स छोटा सा एक चिड़िया है, वो भी क्या करता है, फ्लावर से नेक्टर को यानी पराग को चूसता है, ठीक है, उसके रस को चूसता है। मॉस्किटो क्या करता है, तो दूसरे एनिमल से ब्लड को चूसने का काम करता है, सक करता है। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट वर्म्स और इसको ही खा के अपना जीवन चलाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। यहाँ एक्टिविटी 1.2 में जो है आपको करना क्या है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या फूड हैबिट्स है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे ह्यूमन बींग क्या खाता है, कौन कौन सा फूड आइटम्स है, कैट क्या खाता है, बुफेलो क्या खाता है, माउस, काउ, लायन, ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉग है, ईगल है, ऑल है, डियर है, एलिफेंट है, अर्थवर्म है, तो क्या फूड आइटम्स खाते हैं इसका लिस्ट आप लोग एक्टिविटी में करेंगे। तो इस एक्टिविटी से जो है ये क्लियर हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को ईट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रुप बना देना है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, उनके फूड के हैबिट्स के अनुसार ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है केवल प्लांट पे ही निर्भर रहते हैं, प्लांट को भोजन प्लांट का ही सही भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे काऊ हो गया, डियर हो गया, तो इनको हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। और कुछ एनिमल्स जो है क्या करते हैं, केवल मांस ही खाते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, इसको कार्निवोरस कहेंगे। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दोनों भोजन खाते हैं, यानी कि प्लांट से भी भोजन प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी, इनको कहा जाता है ओमनीवोरस। तो यहाँ थ्री टाइप्स के जो है कैटेगराइज किए गए हैं एनिमल्स को, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में। 1.3 एक्टिविटी को देखें, तो यहाँ पे जो है एनिमल को लिस्ट करना है, ठीक है, एक टेबल बनाना है एनिमल्स के आधार पे। जैसे एक्टिविटी नंबर 1.2 में आपने किया था, यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टेबल बाई विजिटिंग जू। जू में जाके जो है आप इस टेबल को बढ़ा सकते हैं 1.3 टेबल को। तो इस टेबल को आप देखें, तो इस टेबल में जो है हर्बीवोरस कार्निवोरस का जो है लिस्ट बनाना है, हर्बीवोरस एनिमल्स के नाम लिखने हैं और कार्निवोरस एनिमल्स के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है हम लोग का प्लांट हैव टोटली डिफरेंट फूड। देखिए प्लांट जो है फूड हैबिट्स उनका जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है एनिमल से। ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। इसके लिए ये क्या करते हैं, तो इसके लिए करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से लेते हैं, सोयल से जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट से जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल के मदद से, जो कि लीव्स में पाया जाता है, हरी पत्तियों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, उनके मदद से जो है ये क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट स्वयं अपना भोजन बनाते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं। यानी इसको कहेंगे हम लोग प्रोड्यूसर, यानी इनके द्वारा जो खाना बनाया जाएगा बाकी एनिमल्स जो हैं इस पर निर्भर रहेंगे, बाकी जितने भी एनिमल्स हैं इसी पर निर्भर रहेंगे। जैसे कुछ एनिमल्स जो है प्लांट्स को खाएगा, जो प्लांट्स खाने वाला जो एनिमल्स है उसको कोई और एनिमल खाएगा, तो यानी कि जो बेसिक जो भोजन जो है देगा वो प्लांट्स ही देता है, यानी कि इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। ह्यूमन बींग्स जो है आपके ओमनीवोरस होते हैं, यानी कि प्लांट्स का भी, प्लांट से भी जो है भोजन प्राप्त करता है, प्लांट के प्रोडक्ट को भी खाता है और इसके साथ साथ जो है एनिमल प्रोडक्ट को भी खाता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को जो है रॉ खा जाते हैं यानी कच्चा खा जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे दाल और राइस है,
तो इसको हम लोग को पका के खाना पड़ता है। ठीक है, तो खाना पकाने से क्या फायदा होता है? खाना पकाने से दो फायदा होता है, तो एक तो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, इसके साथ साथ भोजन सॉफ्ट हो जाता है और टेस्टी हो जाता है, इसकी वजह से आसानी से हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फूड जब भी रॉ ईट कर रहे हैं यानी कच्चा खा रहे हैं तो सबसे पहले उसको प्रॉपरली धो ले, साफ कर ले, वॉश कर ले, ताकि उसके जो डर्ट्स है, जर्म्स है, केमिकल्स है प्रॉपरली रिमूव हो जाए, तभी उसको जो है हम लोग रॉ के रूप में यानी कच्चा खा सकते हैं। ठीक है, फूड को जो है ज्यादा पकाना नहीं चाहिए। सेकंड आपका क्या बताया गया कि फूड को ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, ज्यादा पकाने से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो फूड से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, जो वाटर जो है हम लोग यूज करते हैं जो फूड के अंदर जो है, फूड को पकाने के समय जो वाटर यूज करते हैं वो पानी जो है साफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट जो फूड में होते हैं वो पकाते समय पानी में चला जाता है। ठीक है, और वो पानी हम लोग को यूज होगा हम लोग को भोजन के समय, इसलिए जो है वो पानी भी साफ होना चाहिए। अब फूड हम लोग के लिए जरूरत क्यों है, क्यों फूड, फूड से हम लोग को क्या मिलता है, इस बात को हम लोग देखें तो फूड का जरूरत पड़ता है सबसे पहले तो एनर्जी के लिए। ठीक है, हम लोग को कोई भी कार्य करने के लिए या बॉडी को मेंटेन करने के लिए ही खुद जो है क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, बिना एनर्जी के बॉडी कार्य ही नहीं करेगा। ठीक है, एवरी सेल्स, हर एक सेल, जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो बिना एनर्जी के काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ बाहर का जो अगर हम लोग वर्क का बात करें, जैसे दौड़ते हैं, चलते हैं, अपने हाथ को उठाते हैं, बोलते हैं, ठीक है, कोई भी कार्य करते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग को फूड से मिलेगा। तो फूड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फूड से एनर्जी मिलता है, सबसे पहली बात। नेक्स्ट बात करें, सेकेंड बात करें, तो हम लोग फूड से जो है क्या होता है, तो बॉडी का मेंटेनेंस होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, फूड हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट के रूप में लेते हैं वो उससे बॉडी जो है बचपन से हम लोग छोटा होते हैं, छोटा के बाद जो है ग्रोथ होने लगता है बॉडी का, तो ये भी कहाँ से होता है, फूड से ही होता है। जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग को फूड से मिलते हैं, अगर इनफ अमाउंट में फूड नहीं मिलेगा तो हम लोग स्टंटेड रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे, बॉडी का ग्रोथ उतने बेहतर रूप में नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ फूड से हम लोग को क्या मिलता है, तो फूड से जो है विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो हम लोग को डिजीज से बचाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ये फ्रूट जो है और वेजिटेबल्स हम लोग को ईट करना चाहिए सफिशियंट अमाउंट में, ताकि बॉडी हम लोग का स्ट्रांग हो सके। ठीक है, जिससे हम लोग को डिजीज आसानी से नहीं होगा। फोर्थ जो है आपका, फूड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बॉडी को रेगुलेट करता है। ठीक है, जैसे बहुत बार हम लोग का जो है कहीं पे किसी जगह पे कट जाता है, ठीक है, वो अपने आप कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है। ये कैसे ठीक होता है, तो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट करता है, क्या करता है, तो नए सेल को बनाता है, नए सेल से टिश्यू बनते हैं, और जिससे बॉडी जो है हम लोग का रिपेयर हो जाता है। यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है कि अगर हम लोग सोते हैं तो भी हम लोग का एनर्जी यूज होता है, लेकिन लिटिल अमाउंट में एनर्जी यूज होता है, और वो एनर्जी जो है कहाँ से मिलेगा, फूड से ही मिलेगा। ठीक है, और ये बॉडी, ये जो फूड से जो एनर्जी मिल रहा है वो जो है हम लोग का यूज कहाँ होगा, तो सेल को जो है, सेल उसको एनर्जी को यूज करेगा बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अब ये फूड हम लोग को मिलता है कहाँ से, सोर्सेज फूड के अगर देखें तो वो कहाँ कहाँ से हम लोग को ये फूड मिलेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं फूड के, अलग अलग जगहों से हम लोग फूड को लेते हैं और उसको यूज करते हैं, खाते हैं। जैसे जो है ये दो मेन सोर्स है आपका, प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया, ये दो तरह के जो है हम लोग को फूड अवेलेबल हो पाते हैं, यानी दो सोर्स हैं जहाँ से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। एक तो प्लांट हो गया, प्लांट से तो भोजन प्राप्त करते हैं, साथ में एनिमल से भी भोजन हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात कर लें कि प्लांट से हम लोग का भोजन जो है कौन कौन सा ऐसा भोजन है जो प्लांट से हम लोग को मिलता है। तो प्लांट से जैसे अनाज हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, इसके साथ साथ वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, बीफरेजेस का मतलब हो गया पेय पदार्थ, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया। ठीक है, ऑयल्स मिलते हैं, तेल मिलते हैं, स्पाइसेज यानी कि मसाला मिलता है, शुगर मिलता है, ये सब जो है हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से मिलता है। तो प्लांट से मिलने वाले जो आपके फूड आइटम्स हैं उसमें सबसे पहले फूड ग्रेन्स का बात करें, तो फूड ग्रेन्स हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये फूड ग्रेन्स जो है उससे हम लोग को बॉडी का मेंटेनेंस होता है। और ये फूड ग्रेन्स जो है हम लोग का कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गया। ठीक है, सीरियल्स में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, राइस है, कॉर्न है, इससे हम लोग को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा हम लोग को, बॉडी को एनर्जी मिलता है, जब पहले ही बात कर चुके हैं।
ठीक है, वीट भी जो है आपका सीरियल में आता है, यानी कि अनाज में आता है। वीट का भी इस्तेमाल हम लोग के देश में बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, पल्स भी जो है हम लोग यूज करते हैं, जिससे जो है हम लोग को क्या मिलता है, इसको दाल भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, पल्स जो है उसमें प्रोटीन होता है, जिससे हम लोग का बॉडी जो है, बॉडी को ग्रोथ मिलता है। तो पल्स में जैसे चना हो गया आपका, ग्राम पी हो गया, मटर हो गया, बीन हो गया, सोयाबीन हो गया, मसूर का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, तो ये सारे जो है हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांट से मिलते हैं। प्लांट से और हम लोग को चीज मिलता है, जैसे कि वेजिटेबल हो गया। तो जो भी वेजिटेबल्स हम लोग को मिल रहा है, ब्रिंजल है, स्पाइनच है, स्पाइनच का मतलब हो गया आपका पालक, ठीक है, टोमेटो हो गया, कैरेट हो गया, पोटैटो हो गया, ये सारे के सारे हम लोग को प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, वेजिटेबल में होता क्या है, तो वेजिटेबल में विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है और रफेज होता है। विटामिन्स और मिनरल्स हम लोग को काहे के लिए यूज होता है, तो विटामिन से हम लोग को और मिनरल से बॉडी जो है रेसिस्ट करता है बीमारियों को, और बीमारी से लड़ने में हम लोग को मदद मिलता है। रफेज क्या करता है, बॉडी के जो भी पाचन की क्रिया है उसको जो है बेहतर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, पचाने में सफिशियंट काम करता है, बेहतर काम करता है। तो ये वेजिटेबल्स जो है हम लोग, कुछ वेजिटेबल्स को तो रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं, कुछ को पका के हम लोग खाते हैं। जैसे मूली हो गया, उसको कच्चा भी खाते हैं, पका के भी खाते हैं। ठीक है, गाजर हो गया, इसको भी कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूड है जिसको कच्चा भी खाया जाता है और पका के भी, कुक करके भी खाया जाता है। कच्चा का मतलब रॉ हो गया और पकाना का मतलब कुकिंग। नेक्स्ट जो है फूड हम लोग को मिलता है कहाँ से, प्लांट से जो फूड मिलता है वो है फ्रूट। ठीक है, फ्रूट हम लोग अलग अलग तरह के फ्रूट, जैसे एप्पल्स है, ग्रेप्स है, मेलन है, मैंगो है, गुआवा, पियर, मटर मेलन, ये सब जो है आपका क्या हो गया, फ्रूट्स हो गया। ये भी प्लांट से ही हम लोग को मिलते हैं और ये जो है फ्रूट्स बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, अलग अलग रूप में जो है ये हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसमें हाइयर वाटर कंटेंट, वाटर भी ज्यादा होता है, मिनरल्स और विटामिन होते हैं, जो कि हम लोग को बीमारी से लड़ने में मदद करता है इसमें। ठीक है, ये जनरली हम लोग फ्रूट को रॉ खाते हैं, यानी कच्चा खाते हैं, इसको पकाना नहीं पड़ता है। बीवरेज का बात करें, ये भी जो है हम लोग को प्लांट से ही मिलता है। बीवरेज का मतलब पेय पदार्थ, ऐसा कोई भी जो है जिसको हम लोग पीने का काम करते हैं, ये बीवरेज में आता है। जैसे कि चाय और कॉफी हम लोग पीते हैं, तो ये बीवरेज में आ गया, ये भी प्लांट से ही मिलता है। ऑयल्स का बात करें तो ये कहाँ से मिलता है, ऑयल सीड से मिलता है, जैसे सोया ऑयल हो गया, ग्राउंड ऑयल, पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। तो ये सब जो है कहाँ से मिलता है, तो आपको ऑयल सीड से मिलता है। ठीक है, जो फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स में जो सीड्स होते हैं, उससे जो है हम लोग का ये ऑयल मिलता है, और इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है ऑयल से। तेल का इस्तेमाल हम लोग जनरली खाना पकाने में करते हैं। स्पाइसेस का बात करें तो स्पाइसेस जो है ये भी प्लांट से मिलता है। ये हम लोग के फूड में फ्लेवर यानी कि टेस्ट को लाता है, टेस्ट को बेहतर बनाता है, जिससे खाना स्वादिष्ट होता है, हम लोग अच्छे से खा पाते हैं। जिसमें जैसे हो गया आपका मस्टर्ड, सरसों हो गया, क्लोव्स हो गया, लौंग हो गया, जिंजर हो गया, तो ये सब जो है मसाला होता है, मसाला को यूज करते हैं, जैसे हल्दी है, धनिया है, तो ये सब जो है मसाला के रूप में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका शुगर। शुगर भी प्लांट से मिलता है। तो शुगर को बनाने के लिए या तो हम लोग शुगर केन का यानी कि गन्ना का इस्तेमाल करते हैं, या शुगर बीट का इस्तेमाल करते हैं, शकरकंद का इस्तेमाल करते हैं, स्वीट पोटैटो का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शुगर केन के प्लांट का वो हिस्सा होता है, स्टेम वाला हिस्सा होता है। इस स्टेम वाले हिस्से से क्या करते हैं, क्रश करके जूस निकालते हैं, और जूस से जो है हम लोग शुगर बनाते हैं। शुगर बीट जो है रूट होता है, जमीन के नीचे जो होता है, और इससे भी हम लोग चीनी बनाते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.4 में आपको करना है कि कुछ पिक्चर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट फूड्स का पेस्ट करना है आपको आपके स्क्रैप बुक में। एक्टिविटी नंबर 1.5 को देखिए, यहाँ पे एक चार्ट बनाने के लिए कहा गया है, जो भी आप खाते हैं, और इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे सीरियल या अनाज जैसे चावल, गेहूं है, प्लांट का कौन से हिस्से से मिलता है, क्या इसको पका के खाते हैं या कच्चा खाते हैं, तो आपको इस टेबल को फिल करना है। तो प्लांट के पार्ट से जैसे सीरियल्स का बात करें, तो जैसे राइस है आपका, वीट है, तो ये प्लांट के फ्रूट पार्ट से मिलता है, और इसको हम लोग क्या खाते हैं, रॉ या कुक्ड खाते हैं, तो इसको हम लोग कुक करके खाते हैं। फूड आइटम्स का बात करें, जो ऐसे फूड आइटम्स जो हम लोग को एनिमल से मिलते हैं, तो प्लांट का हमने बात कर लिया, प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं, अब एनिमल्स का फूड का बात करें, तो एनिमल से जो फूड मिलते हैं, ठीक है, वो एनिमल जैसे हो गया हेन हो गया, काउ हो गया, फिश, गोट, डक, बफेलो, ये सब एनिमल्स हैं, इससे हम लोग को फूड मिलता है। जैसे गाय से हम लोग क्या
लेते हैं गाय बफेलो गोट से हम लोग को मिल्क मिलता है दूध, और दूध वाला प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं, डायरेक्ट दूध को भी यूज कर सकते हैं, दूध के अलग अलग प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं। मीट हम लोग को गोट से, शिप से, पिग से, ठीक है, हेन से, ये से इससे मीट मिलता है। अंडा का बात करें तो एग्स जो है हम लोग को मिलते हैं हेन से, डक से, टर्की से, इससे अंडा मिलता है। और हनी भी से हम लोग को हनी मिलता है। तो ये जो है हम लोग को जो फूड आइटम्स है एनिमल से मिलता है। तो मिल्क जो हम लोग को गाय से मिला या भैंस से मिला या बकरी से मिला, तो ये मिल्क जो है हम लोग का, इसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में भी करते हैं। और ये मिल्किंग पार्लर होता है जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मदद से जो है गाय से दूध निकाला जाता है, उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है और इसको जो है मार्केट में सप्लाई किया जाता है, जैसे कर्ड के रूप में, दही के रूप में, घी के रूप में, बटर के रूप में, चीज के रूप में, ये सब मिल्क प्रोडक्ट हैं जो कि हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हेन, डक, ये सब जो है इसका इस्तेमाल मीट और एग के लिए किया जाता है। और इस तरह के एनिमल्स को, हेन और डक तरह के एनिमल्स को पोल्ट्री एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है कि चिकन हाउस जो है लगभग 1000 से भी ज्यादा चिकन को जो है उसमें पाला जाता है। ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्म कहते हैं। और यहाँ पे मुर्गियाँ क्या करती हैं तो बहुत सारे अंडे देती हैं जिसको मार्केट में सोल्ड किया जाता है। ठीक है, और ये नॉन वेजिटेरियन फूड के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट है मछलियों का बात करें तो मछली जो है आपका इसमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, मछली में जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो मछली पालन का जो क्रिया होता है, मछली पालना अगर बहुत सारे लार्ज अमाउंट में मछली पालने का काम कर रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग पीसी कल्चर। ठीक है, मछली पालन को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। तो मछली जो है हम लोग अगर बात करें तो मछली समुद्र से भी जो है निकाला जाता है, साथ में फ्रेश वाटर से भी जो है मछली को निकाला जाता है, मछली को पकड़ा जाता है। ठीक है, जैसे मछलियों में जो है इम्पोर्टेंट मछली है, कतला हो गया, चिढ़ीना हो गया, बारबस हो गया, लाबेब हो गया, तो ये मछलियां जो है इम्पोर्टेंट है। समुद्र से जो मछली पकड़ी जाती है, फ्रेश वाटर का हो गया, समुद्र से जो मछली पकड़ी जाती है उसमें इम्पोर्टेंट है आपका हिलसा, सरडाइंस, रेड मुलेक, बॉम्बे डक, तो ये महत्वपूर्ण मछलियां हैं जो कि समुद्र से पकड़ी जाती हैं। अब हनी बी का बात करें तो हनी बी को पालना यानी कि आपका मधुमक्खी को पालना का जो है जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम लोग एपीकल्चर। ठीक है, तो हनी है क्या, तो हनी जो है हम लोग का एक मटेरियल है जो कि आपको हनी बी जो है क्या करता है, सिरप के फॉर्म में, स्वीट सिरप के फॉर्म में बनाती है। तो कैसे बनाती है, तो फ्लावर से नेक्टर को जो है सक करती है और उसके बाद जो है उसे हनी बनाती है। और हनी भी जो है हम लोग के फूड मटेरियल में, एक इम्पॉर्टेंट फूड आइटम्स में हम लोग देख सकते हैं उसको। एक्टिविटी 1.6 में आपको क्या करना है कि मिल्क यील्डिंग जितने भी जो है आपके एनिमल्स हैं, मीट यील्डिंग एनिमल्स जिससे मिल्क मिलता है, जिससे मीट मिलता है, जिससे एग मिलता है, उसे एनिमल्स का फोटोग्राफ को यानी पिक्चर्स को जो है आपको स्क्रैप बुक पे पेस्ट करना है, चिपकाना है। 1.7 एक्टिविटी में देखिए कि एनिमल्स जो फूड प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उस एनिमल्स का यहाँ पे चार्ट में नाम लिखना है, जैसे मिल्क कौन कौन से एनिमल से मिलता है, मीट कौन से एनिमल से मिलता है, हनी किस एनिमल से मिलता है, तो उसको जो है आपको इस चार्ट को फिल करना है, 1.7 एक्टिविटी के चार्ट को फिल करना है। नेक्स्ट फैक्ट को देखें तो एक का बात करते हैं, तो अंडा में दो हिस्सा होता है, एक के अंदर दो हिस्सा होता है, एक येल्लो वाला पार्ट, येल्लो वाले पार्ट को योक कहते हैं और व्हाइट वाले पार्ट को एल्बुमिन कहते हैं। येल्लो वाले पार्ट में फैट और लिपिड मौजूद होता है और व्हाइट वाले पार्ट में, एल्बुमिन में जो है आपका प्रोटीन मौजूद होता है। और जो एग का जो सेल होता है, एग का जो कवच होता है, छिलका जो कहते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अब हम लोग देखें कि फूड हैबिट्स, अलग अलग लोगों का अलग अलग फूड जो है हैबिट होता है, खाने का जो है जो हैबिट है, आदत है, वो अलग अलग है। तो भारत में अभी 28 स्टेट्स हैं और टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, उन स्टेट्स का जो इम्पोर्टेंट फूड हैबिट्स है वो बताया गया है। तो जैसे गुजरात का बात करें तो गुजरात में क्या जो है हम लोग ज़्यादातर खाते हैं, तो राइस है, चपाती है, दाल है, वेजिटेबल है, थेपला है, खांडवी है, ढोकला है। पंजाब में रोटी, मिसी रोटी, लस्सी है, बटर कर्ड, पल्सेज, सरसों का साग, छोले दही भल्ले। आंध्र प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट फूड है, राइस है, अरहर दाल, उपमा, रसम, ढोसा, कर्ड, पिकल। राजस्थान का इम्पोर्टेंट जो फूड है वो दलिया है, बाजरा, रोटी, दाल, कचौड़ी, सेवावाड़ी, रबड़ी और दाल रोटी है। तमिलनाडु में इडली, ढोसा, सांभर और राइस इम्पोर्टेंट है। बिहार के लिए राइस, सत्तू, चपाती, दाल,
बचका, भुजिया, पापड़ और चटनी जो है बिहार के लिए ये इम्पोर्टेंट फूड हैबिट्स हैं। अब जो कंट्रीब्यूटर्स जो हैं हम लोग के फूड जो है, फूड को कौन जो है हम लोग को सप्लाई करते हैं, तो हम लोग को डेली फूड का रिक्वायरमेंट होता है। और ये फूड जो है कहाँ से आता है, तो विलेजेस से आते हैं, गांव से आते हैं, और गांव में उसको उगाने का काम करते हैं पीजेंट, किसान लोग जो है करते हैं इसको। किसान जो है फूड को यानी कि अनाज को उगाते हैं जो हम लोग के पास सफिशियंट अमाउंट में आ पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भूखे रह जाते हैं, उनको भोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो फूड हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फूड को सेव करना जरूरी है। तो फूड के प्रॉब्लम को हम लोग के देश में अगर देखा जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो फूड जो है हम लोग के देश में जो है सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग को भूखे भी रहना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जिनके पास उतना सफिशियंट अमाउंट में पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो फूड को खरीद नहीं पाते हैं और भूखे रह जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग फूड को कैसे सेव कर सकते हैं, तो फूड को क्या करें कि फूड शुड नॉट गेट स्पॉइल्ड और इटन अवे। तो फूड को हम लोग को बचा के रखना है ताकि वो ना खराब हो, और रैट्स स्क्वायरल्स जैसे एनिमल्स जो हैं उससे बचे रहें, ताकि फूड को सफिशियंट अमाउंट में रखा जा सके और आगे तक चलाया जा सके। सेकेंड बात करें तो एक्सेस जो फूड है, ठीक है, वो हम लोग को इनटेक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा फूड नहीं, ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा, ओबेसिटी, मोटापा होगा। ठीक है, तो अपने आपको जितना फूड का रिक्वायरमेंट है उतना ही फूड लें, उससे ज़्यादा फूड न लें, जिससे फूड बचेगा और जो बहुत सारे लोग जो भूखे रह रहे हैं उनको भी भोजन मिल सकता है। फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही पार्टीज में, ना ही अपने घर में। तो जितना रिक्वायरमेंट फूड का है उतना ही लें, उससे ज़्यादा फूड को न लें, फूड को बेकार ना करें, बर्बाद ना करें। ठीक है, और कभी भी एक्सेस फूड को जो है हम लोग को खाने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक और बात है कि एक्सेस फूड को ग्रो करना चाहिए। जब तक एक्सेस फूड नहीं होगा तो कभी किसी हाल में मान लीजिए कि आपका अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, फसल अच्छा नहीं हुआ, तो अगर एक्सेस अमाउंट में फूड नहीं रहेगा तो उस साल हम लोग को भोजन नहीं मिल पाएगा, बहुत सारे लोग भूखे मर सकते हैं। इस वजह से जो है हम लोग को फूड को ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करना चाहिए और उसको बचा के रखना चाहिए। इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू।